नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं भोलू मीट भंडार। सुनने में आया कि यहाँ का जो है मीट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मुंगेर में है। और यहाँ का वीडियो कल या परसों यहाँ का वीडियो बना के जयका बिहार वाला गए थे, यहाँ का वो टेस्ट बताए थे। तो हम सोचे हम भी क्यों नहीं चल के वहाँ के मीट को टेस्ट करें और आप तक टेस्ट को बताएं, क्योंकि हम भी जो है मुंगेर के नज़दीक से ही हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए हम आ गए हैं मुंगेर और आज यहाँ का मटन को टेस्ट करेंगे और आप तक टेस्ट को पहुँचाएँगे। ये ओनर से बात कर लेते हैं, ये है यहाँ का ओनर। तो ये जो मटन शॉप है आप कब से चला रहे हैं? 45 ईयर्स से। 45 ईयर से। तो ऐसा क्या डालते हैं यहाँ पे जो इतना सारा भीड़ लगता है आपके पास? यहाँ पर घरेलू नुस्खा, बस जो अपने हाथ का कला है बस वही। घरेलू नुस्खा मतलब सिर्फ घर का ही सब कुछ यूज करते हैं आप? मटन कितना सेल हो जाता है एक दिन में? 45। ये शॉप पर डे खुला रहता है? गुरुवार को ऑफ रहती है। गुरुवार को ऑफ रहती है। तो यहाँ का जो मटन का जो रेट है, क्या रेट है यहाँ का? 200 का प्लेट आता है खाना, जैसे 2 पीस मटन पुलाव और सलाद रहता है। अच्छा, ऐसे पर पीस 75 का है। पर पीस 75 का। और चिकन भी खिलाते हैं? चिकन भी खिलाते हैं। कैसे खिलाते हैं? चिकन 170 का प्लेट है। अच्छा, कितना पीस रहता है उसमें? 2 पीस रहता है, 1 प्लेट पुलाव रहता है, सलाद रहता है। 75 में पुलाव और चिकन दोनों रहता है? 170 में 170 का आता है। 170। अच्छा, 170 में पुलाव और चिकन 2 पीस सलाद वला सब रहता है। सलाद वला सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा यहाँ का रस है। और इसमें पानी का भी यूज किया क्या? पानी का यूज नहीं होता, पानी पर जो मटन सिजाने के लिए होता है बस उतने यूज होता है, बाद में सुखा दिया जाता है। ये ग्रेवी सिर्फ प्याज का है क्या? सिर्फ प्याज का ग्रेवी, प्याज मसाले का। कितना देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था, और इसका सुगंध जो है वो उभर उभर के आ रहा है इसमें से, मतलब आपको बता नहीं सकते कितना मस्त सुगंध आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं, इधर पुलाव है, मटन के साथ आपको पुलाव मिल जाएगा, और पुलाव भी देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त है। पुलाव का जितना वैरायटी होता है सारा चीज़ में डाला गया है, आप देख सकते हैं। और इधर जो है, इधर चिकन रखा हुआ है, थोड़ा सा चिकन दिखा दीजिएगा। इधर आप देख सकते हैं चिकन रखा हुआ, और चिकन का जो कलर है वाकई में चिकन वाला कलर है, बहुत ही जायकेदार मसालेदार लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आज ये भोलू मीट भंडार है, और कितना बड़ा बड़ा टोकना रखा हुआ है। इस बड़े बड़े टोकने में बनाया जाता है मीट, और इसमें भर के पुलाव बनाया जाता है, उधर उधर चिकन बनाया जाता है, और इधर जो है मटन बनाया जाता है। जब हम आए थे तो यहाँ पर मटन भरा हुआ था, तो किसी कारणवश हम रुके हुए थे, और जब तक हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए तब तक में सारा मटन ख़त्म हो चुका, बहुत कम मात्रा में मटन बचा हुआ है, लेकिन अभी भी मटन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम यहाँ के कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, क्या वाकई में यहाँ का मटन जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मसालेदार है, टेस्ट अच्छा है। तो हम भी यहाँ का मटन को टेस्ट करेंगे और आप तक टेस्ट को पहुँचाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में जो बैठने का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा प्लेस में है यहाँ पर, मतलब छोटा प्लेस नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेस है, और एक बार में कम से कम यहाँ पे 30 से 35 आदमी बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया जो है बहुत ही मज़े से मटन खा रहे हैं, मटन और पुलाव खा रहे हैं। तो भैया ये आप जो मटन खा रहे हैं, मटन का टेस्ट कैसा है? बिल्कुल लजीज और बेहतरीन स्वाद है इसका। बेहतरीन स्वाद है। कब से खा रहे हैं आप? ये तो हमारा दोस्त ही है, मोहल्ले के भी हैं, हम लोग तो रोज़ ही आते हैं। अच्छा, रोज़ आप खाने? हाँ, बीफे बार को छोड़कर सिर्फ रोज़ आते हैं हम। मतलब इतना गजब का टेस्ट होता है कि भैया जो है यहाँ पे डेली खाने आते हैं। मतलब आप घर में नहीं खाते हैं क्या? नहीं, घर में नहीं खाते हैं। घर में खाना नहीं खाते हैं? दोपहर का खाना घर में ही खाते ही नहीं है, सिर्फ यहीं आके ही खाते हैं दोपहर का। अच्छा, दोपहर में नहीं खाते हैं, दोपहर में यहीं आके खाते हैं जी। एक तरह से ये भी घर ही हो गया आपका। क्या खा रहे हैं आप? मटन खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं। मटन पुलाव जी। कैसा लग रहा है खाने? बहुत टेस्ट बढ़िया है। अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है जी। ये घर के जैसा यहाँ पे खिला रहे हैं या फिर मार्केट जैसा खिला रहे? मतलब घर के जैसा ही है। घर के जैसा ही। आपको लग रहा है कि घर के जैसा मतलब बनाया हुआ है? बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, जैसे घर में हम लोग खाते हैं वैसे यहाँ खा रहे हैं। जैसे घर में आप खाते हैं वैसे ही खाते जी, वैसे यहाँ भी खिला जाता जी। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए, मेरे लिए भी प्लेट लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलाव दिया गया, एकदम फ्रेश पुलाव है, पुलाव का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और इधर जो मटन दे दिया गया, और ग्रेवी देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा है, और बहुत ही मस्त ग्रेवी, और इधर मेरा सलाद आ गया। तो चलिए हम इस ग्रेवी को टेस्ट करते हैं, पहले सबसे पहले हम ग्रेवी ही टेस्ट करते हैं। तो ये आ गया अपना ग्रेवी, थोड़ा सा, और भाई साहब बता नहीं सकते आपको इतना मस्त स्वाद है इसका, इतना स्वादिष्ट है मटन।
कि आपको बता नहीं सकते हैं, वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। इधर आप देख सकते हैं भैया भी मेरे बगल में खा रहे हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि कैसा यहाँ का टेस्ट है। या कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट है। आप पर डे खाने आते हैं? पर डे नहीं, मैं लेकिन हफ्ते में एक दो बार जरूर आता हूँ। हफ्ते में एक दो बार? कहाँ से हैं आप? मैं जमालपुर से हूँ। जमालपुर से यहाँ आते हैं? एक स्टेशन मतलब ट्रेन में आते हैं? हाँ, मोटरसाइकिल से आता हूँ, कुछ काम रहता है मुंगेर में तो यहाँ खाने के लिए चला आता हूँ, क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट, कम पैसा में अच्छा टेस्ट दे रहा है? अच्छा टेस्ट मिल रहा है, बहुत ही क्वालिटी चीज़ है। क्वालिटी अच्छा है? क्वालिटी बहुत ही लग रहा है कि प्योर खस्सी का। हाँ, प्योर खस्सी का, इसे मतलब लग रहा है कि मटन खा रहा हूँ जैसा लग रहा है, मटन खा रहा हूँ। अभी यहाँ पे ग्रेवी टेस्ट कर लिया, और अब जो है हम थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ का मटन टेस्ट करते हैं। और मटन तो वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से सिझा हुआ है, देखिए थोड़ा से दामने के बाद ये पूरा पिघल जा रहा है। तो ये आ गया अपना मटन और थोड़ा सा ग्रेवी। आप यहाँ पे मनपसंद पीस लेके खा सकते हैं, जो पीस बोलिएगा आपको वो पीस दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दिल खुश हो गया खाना, मटन खाने में इतना मस्त खिलाते हैं यहाँ पे, पूछिए मत। मन कर रहा है वीडियो सब पहले बंद कर दें, पहले भरदम खाएं फिर आपको स्वाद बताएं। बहुत ही मस्त है। इधर देखिए, हमको बिना बोले हुए लहसुन भी मिल गया, तो चलिए आज हम लहसुन भी टेस्ट ही कर लेते हैं, वैसा लहसुन का टेस्ट होता है। वैसे तो हम ज़्यादा खाते नहीं हैं लहसुन। एक बार में सारा लहसुन ख़त्म, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये हो चुका है ख़त्म। तो चलिए हम अब यहाँ का आपको एड्रेस बता देते हैं। आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सादीपुर आना पड़ेगा, सादीपुर में भोला रोड में भोलू मीट भंडार यहाँ पे है, आप यहाँ आके खा सकते हैं सस्ता में अच्छा क्वालिटी के साथ, और अच्छा सब कुछ अच्छा से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बहुत क्लीन भी बहुत अच्छा से है यहाँ पे, आप मज़े से बैठ के खा सकते हैं, पंखा में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और व्यवहार जो है, व्यवहार वाकई में व्यवहार यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा है, व्यवहार से जो है कस्टमर जो है मतलब मालिक जो अच्छा व्यवहार करेंगे तो कस्टमर को भी खाने में अच्छा लगेगा। दुष्ट व्यवहार यहाँ पे नहीं है, व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे जगह के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ।